सांस नहीं आ रहा है, पूरा हालत खराब है। और सांस लेने में भाई कहीं पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग अगर पहाड़ों का पानी पी रहे। हर हर महादेव गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पंडित जी को जंगल में बहुत सारा दौड़ाएंगे, कहेंगे वहाँ बहुत सारे बंदर है, बंदरों के साथ मस्ती करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन मिलेगा देखने के लिए। और मधु कहाँ वाली खराब हो गया, गाड़ी चलाते चलाते गाइस, और बहुत ज्यादा ठंड है बाहर। डैम पर मेन रोड एकदम यही वाला है, पूरा घना जंगल है पूरा देख लीजिए। तो फाइनली गाइस हम लोग आए हुए हैं जहाँ जब थे गुप्ता धाम। गुप्ता धाम वो बैक करने में इसमें पहाड़ी में गिर गई। पंडित जी का दिखा थोड़ा लाइट हाई में गिर गई थी। इसमें कितने लोग मरे थे? 1200 लोग मर गए थे। और 1200 लोग मर गए थे। वो बंद हो गया यहाँ फोर व्हीलर आना, लोग बस बाइक से आते हैं और पैदल आते हैं। और इधर वादियों में इतना मजा आता है, लगता है कि अपना कुछ रिश्ता है इन वादियों से। सात पहाड़ी पार करना है तो विशाल को देखिए, लग रहा है कि सारा दुनिया का ठंडा इसी को लग रहा है। रोड कितना खराब है भैया, गाड़ी चलाने में तो हालत ही खराब हो जाएगा। हम लोग गुफा की ओर जा रहे हैं और यहाँ रोड भाई इधर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो एक ही बार नीचे, वो भी नीचे मगरमच्छ है जो खा रहा है। जंगल में आग भरा हुआ है। अरे बाबा आराम से आराम से आराम से। 5-6 डिग्री सेल्सियस यहाँ ठंडा है, इतना ठंडा पड़ रहा है। अच्छा वो ढेला राय बोल रहा है बाघ आता है, किधर से बाघ आता है भाई? अरे यार तो भाई गाइस हम आ चुके हैं ऊपर। क्या बन रहा है भाई यहाँ पे? चाय बन रहा है क्या? चाय चलेगा विशाल? पंडित जी चाय, पंडित जी रसन दूध चाय पीते हैं ना पंडित जी? है लाल चाय है कि रसन दूध चाय है? रसन का है। अच्छा रसन का है, तो पंडित जी रसन दूध का चाय पीते हैं। गजब बेइज्जती है। ये देखिए सारी नदियां सूख गई है। अच्छा हाँ वहाँ पानी भाई गर्म है, ठंडा है? ठंडा है तो भाप क्यों छोड़ रहा है यार? ये देखिए धूप हो गया है भाई, छोड़ रही है। ये बजरंग बली के लंगूर हैं। एकदम आराम से खाइए ठीक है? वो रुको 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 यार, रुक, आराम से खाओ, आराम से ए ना ना आराम से आराम से आराम से खाओ, आराम से आराम से आराम से। जय भाई, आराम से खाओ, एकदम दुलार से खियाओ, दुलार से खाओ। रुको देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पंडित जी हम लोग का घर आज यही है, तो आराम से चला जाए, सोया जाए। इसमें कुछ बिछाने उछाने के लिए है कि चटी है? अरे भैया चटे पे सुला दोगे? यही है। और यहाँ भाई इतना सुकून है, ना फोन ना कॉल ना मैसेज, दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है ना पंडित जी? कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कैसा लग रहा है, ढेला रहा है आपको यहाँ पे? हमको तो अच्छा लग रहा है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नींद आया। तो फाइनली गाइस हम लोग पैदल चलते चलते जा रहे हैं शीतल कुंड नहाने, और बीच में इतना सारा पत्थर है। हम लोग पहाड़ के पीछे भी चल रहे हैं और नीचे बहुत कठोरा चल रहा है भाई, और पैर में इतना तेज चुभ रहा है ना, और सारा पानी। हम लोग आ गए हैं शीतल कुंड। ये देखिए पंडित जी, हम लोग शीतल कुंड पहुँच चुके हैं। ये देखिए कितना भीड़ है गाइस, और वहाँ ऊपर से पानी आता था वो पानी अभी नहीं आ रहा है गाइस, और सावन के महीने में आता है। बाहरों में दिल के कले खिल गए, मुझको तुम जो मिले हर
खुशी मिल गई तेरे होठों पे है हुस्न की। पंडित जी बोल रहे हैं बर्फ पानी है, सांस ही इनका रुक गया था। पत्ता चिपका कर यहाँ पे पानी भर रहे हैं, ये है देसी पानी आने के ऊपर चिपकाए हुए हैं, जैसे पानी गिर रहा है और हम यहाँ चिपकाए हुए हैं और बाबा को पानी भर रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि इतना वो पानी गंदा कचरा है पानी, बाबा को वो नहीं चढ़ा सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग पत्ता चिपका के पानी भर रहे हैं। फाइनली गाइस हमने यहाँ जल भर दिया पत्ते के साथ और ये देख रहे हैं, और भाई पैर इतना स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे, ओहो बाबा पत्ता से बूंद बूंद भर कर ले कर आए हैं बाबा के लिए चढ़ाने के लिए, पताल में भी जाना पड़े हम लोगों को। प्रसाद लेकर निकल चुके हैं पंडित जी, हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं, अंदर गुफा में जाना है गाइस, कितना बहुत सारा भीड़ है भाई, हालत खराब हो गया है सुबह से ही, यहाँ वो डंडा से लोग मार रहे हैं। अंदर जाने वाले हैं और गुफा के पास आने में बहुत प्रॉब्लम होता है, सांस नहीं आ रहा है, पूरा हालत खराब है, सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है और हालत खराब हो गया, अंदर कुछ ऑक्सीजन में कुछ नहीं है गाइस, बहुत दिक्कत आ रहा है गाइस। जय देखिए हमारे बाबा रहे, अंदर का गुफा ये देखिए, गुफा से निकल रहे हैं, इतना दिक्कत है, इतना दिक्कत है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है और हालत खराब हो गया है, क्या है लोग नंदी बोला जाता है इनको, ये देखिए अंदर इनका वो, हम भी थोड़ा कुछ बोल दे, इतना अंदर गुफा है सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, लोग गेट पे से ही आकर चले जा रहे हैं कहीं के अंदर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, इसलिए लोग रह रहे हैं और यहाँ पर किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, वो सांस लेने बहुत दिक्कत है गाइस, प्यास भी लगी है मेरे को और पानी कहीं मिल नहीं रहा, वाह वाह जी, मतलब ये श्रद्धा बता रहा हूँ ना, श्रद्धा है प्यास लगी है मेरे को, बैठ जाता हाँ। अरे गाइस हमने पहाड़ों से पानी पी लिया, घोड़ा जाता है इस गुफा में आने के बाद पानी अपने आप मुँह में आ जाए ऊपर से, तो समझो कि सरदा है बाबा का, ऑक्सीजन है ही नहीं, सांस मेरा फूल रहा है गाइस अंदर जाने पे, डेंजर गुफा, इतना डेंजर गुफा है, इतना डेंजर गुफा है, लाइफ में पहली बार मैंने इस डेंजर गुफा के साथ जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और 10 मिनट तक इसमें रहने के बाद और हालत खराब हो जा रहा है। पहले गाइस बहुत मुश्किल के बाद हम निकल गए, पहले गाइस ये देखिए जहाँ पहले गाइस हम लोग का दर्शन कंप्लीट हुआ और पंडित जी उसी में खो गए थे बेचारा, इनका लोट क्या करोगे, चलो कुछ खा लो, खाओगे चलो कुछ खा लो, खा लो चलो चलो कुछ खा रहे हैं, खा लो क्या खाओगे बोलो, पैसे चाहिए हम लोगों का प्रसाद यहाँ पैक हो गया है और ये है, यहाँ पे कभी भी आइए तो यहाँ प्रसाद लीजिए, और ये देखिए दिला रहा है, दर्शन अच्छे से हो गया ना, मधु के लिए ले रहे हो क्या भाई, मधु के लिए झुमका, क्या अच्छा झुमका ले रहे हो भाई, तो प्रसाद आते हैं जब भी तो यहीं पे लेते हैं, गाँव कहाँ पे है, यहाँ गाँव कहाँ पे है आपका,
कहाँ पे? उगाहनी। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे? उगाहनी घाट कहाँ पे? साल बिंदी लियो का। तो गाइस विशाल मधु के लिए बिंदी लिया है और कुछ लियो भाई? नहीं याद है, ये बोल रहा है विशाल की चार साल पहले लिट्टी चोखा खाए थे। हम उतने छोटे थे ना, तो हम दादी के साथ आए थे यहाँ पे तो घूमने, ऐसे ही बिन रहे थे लकड़ी और दादी के साथ आए थे तो भूल गए थे, तो हम इतना रो रहे थे गाइस। कम से कम 10 साल पहले हम यहाँ पे आए थे। पहाड़ों में घूमने का मजा ही अलग है, दुनियादारी से नो मतलब। यहाँ पे आकर मछली उछली मारता है ना विशाल भाई। ये गाइस देखिए, वाह क्या बात है। तो फाइनली गाइस हम लोग चलते चलते बहुत ज्यादा थक गए और पहाड़ के ऊपर आराम से आके रेस्ट कर रहे हैं। और देख लीजिए गाइस, जहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं और आगे उधर शेर बाघ रहते हैं। यार बहुत जाने भाई साहब, शेर जाने चीता वगैरह सब रहते हैं। महादेव गाइस, वो लोग आ रहे हैं पानी पीने वहाँ पे। देखिए पानी कहाँ से आ रहा है, देखिए पहले कितना मस्त। ये देखिए गाइस, पहाड़ों के बीचों बीच कोई नहीं है यहाँ पे, हम लोगों के अलावा कोई नहीं है। और यहाँ पे भाई कहीं पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग अगर पहाड़ों का पानी पी रहना पड़ता है। ये हम आ गए ऊपर पहाड़ पे और जय श्री राम। देखिए हम लोग डैम के पास पहुंच गए, यही लास्ट डैम है गाइस। प्रवाह दर्शन कंप्लीट हो गया और हम लोग आए हैं डैम पे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और विशाल रॉक को चैनल को भी सब्सक्राइब करें।